नोट्स ओपन करके जब हम रिवाइज करते हैं, तो बच्चों आप ये उस टाइम पर फील करते हो कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आता है, हर एक डेफिनेशन आती है, हर एक फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। तो रिवीजन जब हम कर रहे होते हैं, नोट्स के पेज पलट रहे होते हैं, तो हमें लगता है हमें सब कुछ आता है, ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से क्लियर है। लेकिन जब हम बच्चों न्यूमेरिकल करने बैठते हैं, कोई टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं, कोई क्विज करते हैं, कोई न्यूमेरिकल करते हैं, किसी बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन हमसे नहीं होते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम कई बच्चों ने मुझे बताई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों, देखना प्रॉब्लम आपकी क्या हो रही है। और ज्यादातर बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि जब भी वो नोट्स रिवाइज करते हैं, उन्हें लगता है कि हमें तो सारा चैप्टर आता है, हमें तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल करते टाइम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, या फिर उसके आंसर गलत हो जाते हैं, या फिर क्या होता है, पहली बार में हमें लगता है नहीं इसका तो ऑप्शन सी करेक्ट है, लेकिन जब हम आंसर में देखते हैं तो पता चलता है डी करेक्ट है, फिर हमें पता चलता है नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, और हम उसको जबरदस्ती अज्यूम करके आगे चले जाते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा ही होता होगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का बच्चों जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। बच्चों जिन स्टूडेंट्स ने उसको ज्वाइन किया, मैंने पर्सनली हर एक बच्चे से, ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था कि उन सभी बच्चों पर एक एक जाके बात करना, बट मैंने हर एक बच्चे से बात की कि जब उनके 4-5 डेज हो गए इस सीरीज के साथ चलते चलते, तो मैंने उनसे बात की कि भाई आपका यहाँ पर जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी, क्या वो प्रॉब्लम अभी दूर हो चुकी है? तो ऑलमोस्ट सभी का एक ही रिप्लाई था कि सर पहले क्या हो रहा था कि हमें पता ही नहीं चलता था कि हमें पढ़ना क्या और छोड़ना क्या है, कौन से कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ नहीं आती, हम इसमें डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे, पूरा क्या था, रैंडम थे, भटक गए थे। अभी जब इस सीरीज के साथ डेली उन्होंने असाइनमेंट सॉल्व करने स्टार्ट किए, क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट में से सॉल्व हो गए, कुछ क्वेश्चन बच्चों सॉल्व नहीं हुए। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, जब उन्होंने उसका वीडियो सॉल्यूशन देखा, मेन चीज कहां पर आई, वीडियो सॉल्यूशन में। क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन तो आपके पास बुक्स में भी है, ठीक है, वो बड़ी बात नहीं है। पहले तो सेलेक्टिव क्वेश्चंस मिलना, और उसके बाद जब क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम आई, कहीं फंसे, कहीं दिक्कत आई, जब आपने उसका वीडियो सॉल्यूशन देखा जिसमें मैंने एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रखा है, तब बच्चों समझ में आए कि अच्छा इस क्वेश्चन का सही तरीका यह है सॉल्व करने का। ऐसा नहीं कि वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता। जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, हर बच्चे को पता है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, उस टाइम पर जो पावर होगी वो मैक्सिमम होगी। लेकिन बच्चों इसमें बहुत बारीक बातें होती, बहुत छोटी बातें होती जो हमें नहीं पता होती, कि वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है कि वेरिएबल है। अब अगर इस चीज पे आपका ध्यान नहीं गया तो गलत हो जाएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अलावा और भी रेजिस्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, किसको इंटरनल मानेंगे, किसको एक्सटर्नल मानेंगे, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि वो थ्योरी आपको नहीं आती, थ्योरी आती है, लेकिन उन बच्चों ने मुझे यही बताया कि सर जब मैंने वीडियो सॉल्यूशन देखा तब मुझे पता चला अच्छा इस चीज को ऐसे कंसीडर करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब ये है, इंटरनल का मतलब ये है, एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, एक्सटर्नल वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये जब छोटी छोटी प्रॉब्लम दूर होना स्टार्ट हुई तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने स्टार्ट हो गए। बात समझ में आ रही है? यानी कि बच्चों थ्योरी आना ना आना वो एक अलग बात है, क्वेश्चन सॉल्व होना ना होना वो एक अलग बात है। थ्योरी हमें जिस लेवल पर आती है और हमें जिस लेवल पर रिक्वायर्ड है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए बच्चों ये सीरीज है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। और मुझे बहुत खुशी है कि ये सीरीज बच्चों के बहुत काम आ रही है। मतलब उन्होंने जो बच्चे 4-5 दिन हो गए अभी ज्वाइन किए रिसेंटली, या फिर जो बच्चे भी लगभग मान लीजिए 1 वीक से ज्वाइन किए हुए हो गया उनको, तो मतलब कि जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। दूसरी चीज़ क्या है, डेली उनको एक गाइडेंस मिलती है कि भाई आपको ये क्वेश्चंस करने इस चैप्टर के करने, तो धीरे 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 क्या हो रहा है कि एक एक चैप्टर उनका अच्छे से रिवाइज होता जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ें उनको पता चलती जा रही हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जो भी बच्चे अभी भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं कि फिर से सेम चीज़ उनके साथ भी रिपीट हो रही है, कि थ्योरी आ रही है क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चंस कर भी लेते हैं तो फिर नए क्वेश्चंस आते हैं फिर वो नहीं होते, अच्छा सब कुछ हो जाता है तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये सारी चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है, आप उसको जाके सॉल्व करिए, ठीक है। असाइनमेंट पर जाइए और देखिए उस सीरीज को, ठीक है। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। दूसरा बच्चों यहाँ पर दो अनाउंसमेंट है, दो बड़ी अनाउंसमेंट है आपके लिए। पहला ये कि फिजिक्स की मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज तो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है उसका,
और उन्हीं बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप बायोलॉजी की भी मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज लॉन्च करिए। ठीक है, तो डॉक्टर आरएम सर, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि उनका भी यहाँ पर एक बायोलॉजी का कोर्स लॉन्च हुआ है, तो उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज फॉर बायोलॉजी भी लॉन्च हो चुकी है। यानी जो बच्चे नीट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फिजिक्स के साथ साथ अब बायोलॉजी की भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी, जिसमें बच्चों डेली असाइनमेंट होगा, डेली उसका डिस्कशन होगा, वीडियो डिस्कशन होगा, ताकि एक एक चीज़ हम अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो एक तो ये वाला पार्ट है, आई थिंक कि जिन बच्चों को उसकी ज़रूरत है वो जाके वहाँ पर उसको देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ लेक्चर्स, कुछ असाइनमेंट्स ओपन हैं, आप जाके उसको देखिए, समझिए, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए यूज़फुल है तो डेफिनेटली आप उस पर जा सकते हैं। ठीक है, और बच्चों जो दूसरा यहाँ पर अनाउंसमेंट है, वो कई बच्चों ने मुझसे कहा कि सर हमें एक पर्टिकुलर चैप्टर में प्रॉब्लम है। ठीक है, कई बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हमें बाकी तो आता है, जैसे मान लीजिए ऑलरेडी वो कंप्लीट 11th पढ़ चुके, कंप्लीट 12th सिलेबस कवर कर चुके, लेकिन फिर भी उनको कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स में प्रॉब्लम है, वो इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं उन चैप्टर्स की। तो बच्चों हमने माई अकेडमी लर्निंग ऐप पर अब इंडिविजुअल चैप्टर के कोर्सेज भी लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए हैं, और इस सीरीज में फर्स्ट अगर हम बात करें तो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का एक हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। बच्चों वैसे तो बेसिक मैथमेटिकल कोर्स जो है, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स जो है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके बिना सिलेबस का कोई भी पार्ट सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कि ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सीरीज में हर छोटी बड़ी बात बताई गई है जो पूरी फिजिक्स में काम आती है, और मैं आपको बताऊँ ज़्यादातर बच्चों का ये पार्ट क्लियर नहीं होता है, कहीं क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, कभी डिफरेंशिएशन में फंस जाते हैं, कभी इंटीग्रेशन में फंस जाते हैं, कभी बाइनोमियल थ्योरम में फंस जाते हैं, कभी साइन कॉस टेन कॉट नहीं समझ में आता, कभी पता नहीं चलता कि कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो ये छोटी 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 प्रॉब्लम्स को हमने वहाँ पर पूरा अच्छे से एक कोर्स डिज़ाइन करके और प्योरली बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और इसी तरह से आगे बच्चों धीरे धीरे कोर्सेज आपको इस पर मिलते जाएंगे, तो जो बच्चे किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का यहाँ पर कोर्स लेना चाहते हैं उनको भी अब आसानी से ये चैप्टर्स मिल जाएंगे। और बच्चों ये मान करके चलिए हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से इन डिटेल एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया गया, ताकि ऐसा ना हो कि बस फॉर्मूला बेस्ड है, एक बार देखा और फिर भूल गए, क्योंकि जो चीज़ जितना आराम से आप समझेंगे ना वो चीज़ उतना लॉन्ग लास्टिंग रहेगी आपके ब्रेन में, वो पूरा एक मेमोरी आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है कि नहीं ऐसे ऐसे चीज़ों को हमने समझा था। तो चीज़ों को बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो ये सब बच्चों अनाउंसमेंट थी, एक तो ये कि बायोलॉजी का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज लॉन्च हो गया है, और दूसरा ये कि हम चैप्टर वाइज भी अब आपको कोर्सेज दे पाएंगे, और इस सीरीज में हमने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का एक कोर्स लॉन्च कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरह की जो भी अनाउंसमेंट होगी बच्चों मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मेहनत करें, अपना ध्यान रखें, और एक बात और कहूँगा बच्चों, बाहर बहुत कुछ हो रहा है, बाहर का मतलब ये एक तो आप हैं, आपकी पढ़ाई है और नीट है, और इसके अलावा भी सराउंडिंग में बहुत कुछ हो रहा है डेली। ठीक है, और ये चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं बिल्कुल, अगर आप इनको सुनेंगे रोज़ कि आज यहाँ पर ऐसा हो रहा है, आज वहाँ पर वैसा हो रहा है, अभी लॉकडाउन इतना चलेगा, नीट एग्ज़ाम अब होगा। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर नीट की एक्सपेक्टेड डेट बताइए, क्या कब हो सकता है एग्ज़ाम। बच्चों अगर हमें पता भी चल जाए तो हम क्या करेंगे, हम पढ़ाई तो करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि अगर हमें पता चल जाए कि नीट एक महीने से थोड़ा और ज़्यादा का टाइम लग रहा है, अभी अब इस टाइम नहीं होना, इस टाइम होना, तो हम क्या करेंगे, क्या खेलने कूदने लगेंगे, हमें तो पढ़ाई करनी है। तो मेरा आपसे यही सजेशन है, यही मैं आपसे कहूँगा कि बच्चों केवल पढ़ाई पर फोकस करो, सारी चीज़ें भूल जाओ, बाहर की चीज़ों में जितना इन्वॉल्व होगे उतना अपना नुकसान होगा। ठीक है, मैं आपको इतना बता सकता हूँ अपना काम क्या है, हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, तो क्यों ना हम सिर्फ पढ़ाई करें, बाकी चीज़ें लोगों पे छोड़ दें, जिसका जो काम है वो करेगा। ठीक है, हमारा काम पढ़ना है, हम इस टाइम को बच्चों ये गोल्डन पीरियड है आपके लिए। ठीक है, कई बच्चे पहले कहा करते थे कि सर इस चैप्टर को थोड़ा वीक रह गया, अगर थोड़ा टाइम और मिल जाता तो मज़ा आ जाती, हम बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते। बच्चों आज तो वो टाइम आप जितना आप सोच रहे थे उससे ज़्यादा टाइम आपको मिल गया नीट का एग्ज़ाम होने में, तो क्यों ना हम उन चैप्टर्स को और अच्छा कर लें। क्या हमारे दिमाग में नहीं आता कि जो चैप्टर्स हमारे वीक रह गए हैं या जिन चैप्टर से हमें डर लगता है उनको और स्ट्रॉन्ग कर लें, और अच्छे से उनकी पढ़ाई कर लें, तो करिए फिर। सराउंडिंग से थोड़ा सा बच्चों खुद को आइसोलेट करो, ठीक है, बिल्कुल आइसोलेट बन जाओ, आप आपकी पढ़ाई और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, इसके क्वेश्चन करिए,
वीडियोस देखिए, डेफिनेटली बच्चों आपको गाइडेंस भी मिलेगी, छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होंगी तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, सराउंडिंग से अपने आप हट जाओगे। जितना आप पढ़ाई में मन लगाओगे बाकी चीज़ें अपने आप हटती रहेंगी, ठीक है। सराउंडिंग से हटने का तरीका ये नहीं कि उसके बारे में सोचो कि हमें इससे हटना है, नहीं, आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। जैसे जैसे आपका पढ़ाई पर इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा आप एक पर्टिकुलर गाइडेंस में चलना स्टार्ट कर देंगे, आपको सारी चीज़ें अपने आप ही बाहर की चीज़ें बेकार लगने लगेंगी, नहीं यार अपने को तो पढ़ाई करनी है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। जिस दिन एग्जाम होगा मैं जाके एग्जाम दे के आऊँगा, ठीक है।